महोबा में कृषि विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। यहां किसानों को हुए फसलों के नुकसान को लेकर सरकार द्वारा भेजी गई राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले फसल बीमा सप्ताह में जिले के किसानों को खातों में राशि पहुंचाकर उन्हें अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाना है। आपको बताते चलें कि आज जिला स्तर से किसान गोष्ठी करते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने की मंशा से फसल बीमा सप्ताह का आयोजन जिला अधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ से अधिक धनराशि किसानों के खातों में भेजना है और गोष्ठी के माध्यम से उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाना है। आज फसल बीमा सप्ताह के प्रथम दिन जिले के 5 किसानों को लाभ दिया गया। किसानों को सर फसल बीमा का लाभ मिला सर? इसमें आज जो है 5 व्यक्ति को दिया गया है। कुल 3,76,00,000 रुपए का जो है इसमें बीमा आया रवि का 2021 का, जिसमें बांटा जा रहा है और उनके घरों पर उनके जो अकाउंट में पहुंचाया जा रहा है। ये 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये 75 विकास खंडों में कार्यक्रम विशेष तौर से और ये जनपद का स्तरीय कार्यक्रम उसी कड़ी में मनाया गया है। 1 से 7 दिसंबर तक ये फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में ये आज जिले का कार्यक्रम जिले स्तर पर फसल बीमा का ये गोष्ठी मान फसल बीमा का किया जा रहा है, जिसके तहत 5 कृषकों को फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5 कृषकों को सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र दे के चना मटर मसूर इस टाइप के फसलों में करके किया गया। 3 कृषि विभाग, 1 कृषि विभाग का कर्मचारी, 1 कॉमन सर्विस सेंटर जनसेवा जन सुविधा केंद्र के लोग जो सबसे ज्यादा बीमा कराया और 1 बैंक कर्मी जो कि इंडियन बैंक ने सबसे ज्यादा बीमा कराने में महती भूमिका यहाँ तक किया, तो उनको प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित करने की तो एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम है था, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने संबोधित किया और इसको सोशल साइटों पर सभी उस पर विशेष तौर से डालना भी है और वृहद स्तर पर 75 न्याय पंचायतों को भी उन न्याय पंचायतों को भी इसमें सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे जीरो हो या सबसे कम प्रगति है वहां पर खास फोकस करना है और आकांक्षी विकास खंड और या जनजातीय बहुल विकास खंडों पर भी खास फोकस करके चिन्हित करके विशेष